हेलो व्यूअर फैमिली, स्वागत है आप सभी का व्यूअर ब्रदर्स के एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है उज्जैन से, और अभी बजे सुबह के 7:15। और जैसे कि आपको कल बोला था ना, आज हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। वहां पर पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी है ना, तो गाड़ी लेकर ही जाते हैं ताकि भाई ई रिक्शा पकड़ो क्या, पहले तो बुलाओ, फिर उसको पकड़ो, फिर आते वक्त वापस उसको ढूंढो, फिर उसको पकड़ो, बहुत झंझट है। उससे अच्छा है भाई फटाफट से गाड़ी लेकर जाएंगे, दर्शन करेंगे और फटाफट से वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमको आगे और भी एक जगह जाना है। ये देखिए जी, सुबह सुबह उज्जैन के नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं। जो यहाँ पर रहते होंगे, जो यहाँ पर आया होगा उसको तो पता ही होगा, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं ना। ये लो जी, पहुँच गए हम काल भैरव मंदिर। अभी पार्किंग, ये गाड़ी के पीछे पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा। अरे ये किधर जा रही है फिर? ये जाएगी आपने खुली जाओली बहुत की है। सॉरी, पार्किंग की तरह मोटा भाई, गाड़ी का अपना पार्किंग नहीं देना है, ओनली प्रसाद के लिए लगवाते हैं। वो मंदिर के पास भी पहुंच जाओगे, जान दो ऊपर सेफ्टी में गाड़ी खड़ी रहेगी अपनी। पार्किंग उधर ही करना का? हां, पार्किंग इधर लगा। अरे भैया आप ही दे वहां मंदिर में। नाडियर मना ये लोगों को, बच्चे अपने टच करने बड़ी पाछू दे। प्रसाद लाना बाकी ये सब चढ़ा दे। काला धागा लाना है, बाकी सब वो रख लेंगे ना, बाद में काला धागा हम पहन सकते हैं। नाडियर भी भले रखना, काट काट के पहन लेना, और ये अपने घर गाड़ी मकान कहीं भी लगा सकते हैं। ओके, वापस सिर्फ ये प्रसाद लाना है। प्रसाद लाना है। तीनों चीज लेके आनी है, बाकी सब अर्पण करना। ओके, पूरी पूजा के हिसाब से जो नारियल होता है अपने सिर से 5 बार घुमा के मंदिर के अंदर पूरा भेंट करना है। लाना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं। काला धागा होता नजर के लिए, अपने हाथों में बांधने के लिए होता है। ओके, नजर बट्टू है। अगर आपकी कोई गाड़ी बंगली दुकान आप लगाना चाहते हो तो अच्छी चीज है, भैरव का यंत्र है इसको। वहाँ से टच करके मंदिर से घूम के आता है, उसके बाद आप अपने घर के मेन गेट पे लगा सकते हो। गाड़ी बंगले दुकान ऑफिस कहाँ भी लगा सकते हो। लड्डू का प्रसाद मिलेगा, ये प्रसाद घर परिवार में बांटने के लिए होता है। फूल चढ़ा देना। थैंक यू। चलो जी, यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। एक्चुअली मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, लेकिन वो जो भाई थे ना, उनके हिसाब से, हाँ ऑटो को पार्क करवा रहा है, हाँ तो उनके हिसाब से है ना, इधर ऐसा कोई एज सच कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं है। ये लोग गाड़ी पार्क करवाते हैं इसलिए ताकि उनके पास से हम प्रसाद लें। और किसी को पता है कि इधर कोई प्रॉपर पार्किंग हो तो मेरे को बताना कॉमेंट में। हाँ, इधर है ना वो छोटे छोटे ये सारे पत्थर पड़े हैं ना, उसके ऊपर पैर रखते हैं ना तो भाई बहुत चुभते हैं। जिसको आदत होती है ना उसके लिए नॉर्मल चीज़ें, देखो सब कैसे मस्त फटाफट जा रहे हैं, लेकिन भाई चप्पल पहनने की आदत है ना हर जगह, तो भाई ये बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं तलवे, बहुत दर्द कर रहा है भाई, चुभता है ना छोटा छोटा पत्थर। तो पूजा तो खाली ओमच करवाया। वैसे तो ये चीज़ है ना हमारे स्टेट में बैन है, लेकिन यहाँ पर प्रसादी में चढ़ तो हम लोग यहाँ से लेकर आए। आप दिखाने का नहीं क्या है, बाहर उतनी भीड़ दिख नहीं रही थी, लेकिन भाई यहाँ आकर देखो क्या जबरदस्त लाइन है। ऐसे 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 करके यहाँ तक आए, और वो देखो, और आगे देखो वहाँ पर वो देखिए, और ये सिर्फ यहाँ से बाहर से दिख रहा है, अंदर जाकर कितनी भीड़ होगी पता नहीं। हमको ऐसा कि भाई सुबह सुबह जल्दी जाएंगे तो जल्दी जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर ना नीचे कांच के टुकड़े भी पड़े हैं, इधर कैसे कांच के टुकड़े कोई फेंक सकता है भाई? अगर किसी के ये देखो अगर किसी के पैर में लग गए, ये देखो भाई, जब से हमारा है ना जितने भी बैरिकेड्स लगे ना सबके ऊपर ऐसे धागे हैं, सब क्या क्या मन्नत रखते होंगे यहाँ पर। और ये ना देखो हर जगह पर है, सामने भी जितने दिखेंगे ना, पर जब से चलते हुए आ रहे हैं ना एक भी बैरिकेड ऐसा नहीं देखा जिसके ऊपर ऐसे धागे ना हो। ये देखो कितने सारे लोग ने कितनी सारी मन्नतें रखी होंगी। और भाई क्या बेहतरीन दर्शन हुए। हाँ रिद्धि, मजा आ गया ना, है ना, पहले गए ना
तो सिर्फ है ना हमको राइट साइड की आंख के ही दर्शन हुए, क्योंकि आरती होने वाली थी ना, एक आंख के दर्शन, हाँ राइट हैंड साइड की, और आरती की तैयारी हो रही थी ना, तो बीच में महाराज खड़े थे। लेकिन जैसे हम दर्शन करके निकले ना, तो ढोल बजा रहे थे ना, भैया ने सामने से बुलाया इधर आ जाओ अंदर, तो भाई साइड पे हमको अंदर बुला के खड़ा रखा और पूरी आरती की हमने, और उसके बाद फिर से दर्शन किया, और जब वो प्रसादी चढ़ दिया ना, वो पूरा पूरा हमको दर्शन हुआ ना। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बोलते हैं ना जो भगवान चाहता है ना वो ही होता है, और जब एक आंख के दर्शन हुए तब मैंने रिद्धि को वही बोला कि शायद है ना भगवान यही चाहते होंगे कि हमको एक आंख के दर्शन हो। लेकिन फिर सामने से वो भाई ने बुलाया ना, तब जाके फिर पता चला कि भाई जो हम सोच पाते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा आगे उनकी सोच होती है, जो हम कभी भी समझ भी नहीं पाएंगे। अरे वाह, क्या देखो, जैसे ही मंदिर से निकला ना सामने अपनी गाड़ी, ये देखो भाई, ये बहुत लगता है पैर में, ओए होए, चुपता है, चुपता है, लगता नहीं, चुपता है कांटे की तरह, ओए ओ मारो, हाथ पकड़ो ना। चलिए जी, पहुंच गए हम होटल पर। सिक्योरिटी वाले चाचा चेंज हो गए। किधर गए दूसरे मामा, दूसरे भैया किधर गए? नाइट वाले अभी नहीं है, तो चलेंगे जरा, बाहर आएगा कोई काम ना, ये उनको देना था, उनको प्रसाद काल भैरव का, ठीक है। चलिए अभी फटाफट पैक करते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट भाई सारा सामान पैक ही है, छोटा मोटा जो बाहर है वो फटाफट से पैक करते हैं और निकलते हैं। मैं ये लेंस निकाल दूं क्यों? क्योंकि अभी ट्रैवलिंग करना है ना, फिर शाम को वापस पहनूंगी। और तू सो जाएगी ट्रैवलिंग में? हाँ, फिर शाम को वापस पहनूंगी। ठीक है, चलिए चेकआउट कर रहे हैं। अभी है ना सबसे पहले कुछ नाश्ता करेंगे, यहाँ पर आए तो भाई इंदौरी पोहा तो खाएंगे ही खाएंगे, स्ट्रीट फूड यहाँ का बहुत फेमस है ना। हाँ, भूख तो लगी होगी ना, कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, और दर्शन करने गए थे ना तब चलना भी बहुत हो गया, तो एक भूख और भी बढ़ गई है। अभी हमको यहाँ से जाना है 146 किलोमीटर, 3 घंटे 41 मिनट्स होंगे, लेकिन हम बीच में खाना खाने के लिए रुकेंगे तो और भी हो जाएगा। 2 बजे दिखा रहा है ना, 3 बजे से पहले पहुँच जाएंगे भाई। यहाँ पर गाड़ी अंदर पार्क कर दी, और आज फिर से आए श्री गंगा, जहाँ पर कल डिनर किया था ना, खाना अच्छा था, तो सोचा यहीं पर नाश्ता कर लेते आकर। और यहाँ पर देखो मस्त पोहा वगैरह भी है, हम लोग ने 4 समोसा और 2 कचौरी हम दोनों के बीच में पोहा खत्म नहीं किया है। अरे तो वही तो खाना है, अरे बापरे पोहा खत्म, अरे आ गए ना, हाँ चलेगा, टाइम चलेगा, लेकिन मिलेंगे ना, हाँ बस तो बराबर है। जब खाना सामने आता है ना तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हमने इधर पफ खाया, 4 समोसे खाए मस्त चटनी वटनी मार के, और इडली अभी दृष्टि खाएगी नहीं, आधी खा ली, और ये जो लस्सी मंगवाई है ना मस्त है, जबरदस्त, हाँ कचौरी दही कचौरी भाई, सब कुछ अच्छा है यहाँ का, बहुत मस्त कचौरी और बहुत मस्त था। कल जो रिक्शा वाले भाई ने हमको बोला था ना, सबसे बेस्ट जगह है यहाँ की, ऐसा ही लगता है, सही है, यही बेस्ट जगह है। मेरे को चाट बिल्कुल पसंद नहीं आते, बट ये चाट इतना मस्त लगा ना। अगर उज्जैन में आते हो ना तो ये जगह पर पक्का ट्राई करना, श्री गंगा रेस्टोरेंट होटल पता नहीं जो भी है, सही में अच्छा है, स्टे भी है, हाँ स्टे भी कर सकते हो यहाँ पर। एंड बाय द वे यहाँ से गाड़ी भी ऐसी मस्त पार्क की है ना, एकदम क्लीन दिख रही है, ये देखो इधर, हम ध्यान भी रख पाएंगे ना हमारी गाड़ी से कोई छेड़छाड़ कर तो नहीं रहा है, सीधा देख पाएंगे। और ये लो जी आ गया यहाँ का स्पेशल पोहा मसाला उत्तपम, ये लो जी आ गया अपना चीज बस्ट डोसा। रिद्धि को है ना स्वीट खाने का बहुत मन हो गया है, तो कब से यहाँ पर पूछ रही है शुगर फ्री स्वीट्स के लिए। और दृश्य में देखो क्या दूंगी, मिनी गुलाब जामुन दृश्य देखो खाने, गुलाब जामुन के बच्चे है क्या वो, है ना इतने छोटे छोटे, हाँ वही है वही। चलो शुगर फ्री तो यहाँ पर जैसा रिद्धि को चाहिए वैसा नहीं मिला, आगे कोई होको या ऐसा, इधर होको हो सकती है क्या, होको एमपी में क्या बता, संतुष्टि नहीं, संतुष्टि तो उधर ही है गुजरात में। हाँ। देखेंगे भाई, कुछ भी अगर आइसक्रीम मिला शुगर फ्री तो वो ट्राई क्या खाएंगे। देखो भाई यहाँ पर है ना मोहन भैया, मोहन यादव आए है, क्या स्वागत हो रहा है उनका, कब से हमको इधर रोक के रखा है, भैया का भौकाल है इधर तो रहा है। चलो जी भैया निकले, अभी हमारा नंबर आएगा जाने का। ये देखो भाई कौन सी खुशी में फूल बरसा रहा है हमारे पर, ओ जी ये भाई पूरी गाड़ी पर फूल ही फूल भाई, पता नहीं अभी भैया तो चले गए शायद, ये नहीं अरे अरे वो भैया चले गए, ये भैया अच्छे लग गए क्या हमको, अगला इलेक्शन में लड़ेगा इधर से भाई, ये गाड़ी के ऊपर भी फूल ही फूल, मुझे लग रहा है कि हमारा वो करने के लिए खड़ा स्वागत था, वो भी उसको बुलाया नहीं तो वो और फेंकने वाला था, वही उसको किसी और ने ना बुला लिया नहीं तो और फूल आते इधर, ये देखो आया, अरे जब तक फूल आ रहा है ना अच्छा है, और कुछ मत फेंक देना भाई, पत्थर वत्थर, अरे भाई क्या हो गया इनको, अरे भाई अरे कितने
तू आगे चला दे। अरे बस 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 भाई 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 पहले 2 बजे पहुंचने वाले थे ना, खाना खाया और ये भैया जी ने रोका उसके चक्कर में। देखो अभी 3:30 भैया जी ने बहुत टाइम ले लिया। चलो जी अभी ओम सो जाएगा, नींद ले लेगा थोड़ी। और यहाँ 15 मिनट चला है टोटल 15 मिनट चला है, अभी यहाँ से गाड़ी में चला लूंगा। तकिया चद्दर पता नहीं कौन से हाईवे पर चढ़ा दिया है। देखो 54 किलोमीटर्स बाकी है ना, फिर भी 2.25 घंटा दिखा रहा है। अभी तक ऐसे ही रास्ते से आया, लगता है ऐसे ही रास्ते से और भी आगे जाना पड़ेगा। पूरा रास्ता वैसा ही है, इतना बोला ना रास्तों के बारे में, लेकिन देखो अभी क्या मस्त रास्ता है। पूरा पहाड़ी, हाँ लोनावाला से निकलते हैं ना तो कैसी फील आती है ये देखिए। तो मैं ना सो गया था ना अभी अभी नहीं कब का हाँ तो सो गया था तभी आकाश को मस्कराने के लिए ये पीछे उसका मसाज कर रहा है, मसाज कर उसके रहा पाप का प्रायश्चित कर रहा है कि जीजू को आखिर तक गाड़ी चलानी पड़ी करके। और रास्ता इतना बकवास था ना भाई, पूरे अलग रास्ते से आए ना तो गांव वाला ही रास्ता था। तो अभी वो प्रायश्चित कर रहा है तो मैं चुपचाप करने भी दे रहा हूँ। मजा आ रहा है उसको नहीं मेरे को आ रहा है। भाई हम जब आ रहे थे ना तो बीच में बारिश भी हुई थी, तो बचते बचाते हम तो निकल गए, लेकिन ये देखिए भाई क्या काले काले बादल है ना, जबरदस्त। फाइनली भाई पहुंच तो गए। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ओमकारेश्वर मुख्य कुछ था लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाया मैं। श्री ओमकारेश्वर मंदिर, अरे मंदिर का रास्ता तो यहाँ से होते हुए जाता है, ये बंद किया है इन्होंने। मंदिर कैसे आएंगे फिर? हाँ मंदिर बोर्ड से, बोर्ड से जाना। हाँ मंदिर अपना ई रिक्शा रहेगा ना उसमें, नदी के उस साइड नहीं, नदी के उस साइड मंदिर है। हाँ यस। ओ ये देखो भाई कितनी सारी जगह है, ब्रह्मपुरी घाट, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये एक और ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर। अगर ये एक और ज्योतिर्लिंग हुआ ना यहाँ पर तो इसके भी दर्शन करेंगे। बाकी जहाँ तक पता है यहाँ दो ही है ना, ओम दो ही है। फिर ये क्यों लिखा है मध्य प्रदेश में? दो ही है तो लिखा क्यों है ऐसा? एटलीस्ट 4 मंथ्स। दृष्टि ने पूरा गूगल किया। ये जो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने देखा ना, वो अभी गूगल के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही है। जब बारिश हुई थी बहुत सारा पानी था तब एक्सेसिबल नहीं था ना, भाई रुक जाओ हमको होटल पर जाना है। रुको एक भैया लेफ्ट टर्न क्या है? यही है, यही तो है। अरे द शंकरा व्यू होटल की तरह होटल शंकरा व्यू इधर है भैया, इधर नीचे से राइट ना, ये रहा ये वाला राइट। हाँ जी, तो जब वो पानी भर गया था तब एक्सेसिबल नहीं था ना, तो उसकी जगह पर अभी ये बनाया उन्होंने या फिर और एक था, पूरा क्लियर नहीं है मामला, लेकिन ऐसा ही है कुछ। तो एक और ज्योतिर्लिंग नहीं है, ओमकारेश्वर की जगह पर पूजा करने के लिए बनाया होगा शायद, वही है। अभी ना अपनी होटल के पास गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि रास्ता कुछ बंद है, तो यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी रखी है और ये भाई हमको बाइक पर ले जाएंगे होटल तक। चलिए बाकी सारे लोग पहुँच गए लेकिन मैं गाड़ी पार्क करने यहाँ आया था। ये लो जी पहुँच गए हमारी होटल पर और हम नीचे ही है भाई। इधर है ना ये रास्ता जो जाता है ना आगे यहाँ से, वो पूरा बंद किया हुआ है इसके लिए ना। क्यों बंद किया है? क्राउड की वजह से। तो ये आज का हमारा होटल रूम है यहाँ का। आज का क्या, हम तो 1 घंटा भी नहीं रहेंगे, समझो 5:30 बजे तो चले जाएंगे दर्शन के लिए। बोल क्या है, ओम बोल के गए 6:30 बजे, मैंने बोला नहीं 6 बजे, तो बोला 5:30 बजे। 5:30 बजे हाँ, मैंने तो बोला कि हम तो रेडी है। नहीं इधर बहुत रश है, और वो नीचे रिसेप्शन पर भाई ना उन्होंने बोला यहाँ का गर्भगृह इतना छोटा है कि यहाँ पर एक साथ में सिर्फ 4 लोग ही दर्शन कर पाते हैं, तो उसके लिए भीड़ भी ज्यादा रहती है, लाइन भी ज्यादा रहेगी, तो जल्दी जाना पड़ेगा समझी। तो ओम को फोन करके बोल दो कि 5:30 बजे। फोन करके नहीं, हम लोग नीचे डिस्कस करके ही आए। आप ओम को मिले? हाँ तो हम दोनों साथ में। हाँ, तो हाँ, ठीक है। तो भी देखो 4:45 बजकर 5 मिनट हुए, 55 मिनट्स में फटाफट से रेडी होके जाएंगे भाई। 2 दिन से ना नींद ही नहीं मिल रही है,
लेकिन ये ज़रूरी है ना भाई, इधर तक आए तो फिर इधर नींद वींद सब साइड पर, पहले दर्शन फिर बाकी का काम। नहीं, भगवान ने हमें कितने अच्छे से इजीली दर्शन करवाए, तो वो बोलेंगे थोड़ा सा स्ट्रगल करो तो मैं इजीली मिलूंगा। अभी तक की दोनों जगह पर एकदम इजी और एकदम बेहतरीन तरीके से दर्शन हुए, तो इस जगह पर मेरे को लगता है भाई भगवान हमारी परीक्षा लेंगे। सब लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे तेरे दर्शन हो गए, कल गए थे ना महाकाल, सब लोग हो गए 30 मिनट में हो गए। मैंने बोला 30 मिनट में, वो भी आगे से, आज कैसे हुआ? आज तो हम गए और भगवान ने हमें सामने से बोला खड़े रहो, मेरे लिए पूरी आरती दी हम लोग ने, फिर उनको देखा सब बाकी जा रहे थे हम। हाँ, मैं वो सबने ऑलरेडी देखा। नहीं, मैं वीडियो अपना दूंगी ना, वो आप डालना उसमें देखना, हम लोग खड़े बाकी सब ऐसे लाइन में जा रहे हैं। अरे ओम नदी कब तू हालने तू क्या? अरे कितना नाश्ता, कब से ये देख के गया वो देख के, पीनट वाला ये खाओ। पता है ओम और दृष्टि को आज राखी बनने वाली है, और वो भी इतनी अच्छी जगह पे, और प्रसाद में देखो क्या है। कल हम लोग गए थे ना ओमकालेश्वर का, नहीं महाकालेश्वर का प्रसाद है भाई, एक साथ में दो दो जगह आते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूज। मैंने खिलाया ही नहीं था कल भी, उनको भी नहीं बोला खोलने के लिए, मैं रक्षाबंधन में। ये छोटी सी प्लेट दिखा, ये मैंने प्लेट ली है छोटी सी रक्षाबंधन के लिए, छोटी प्लेट ये देखो, इसमें ये है राखी और इसमें ये दोनों डालना है। दोनों मस्त रहो और मुझे बहुत जल्दी बुआ बनाओ। आप भी हमको मामा मामी बना, हम दोनों एक दूसरे को। सब कुछ रीति अकेली करेगी ना, मेरे को तो सिर्फ ऐसे व्लॉग ही करना है। ए बरसात पड़े हो, ये बरसात आ रही है, बारिश आ रही है। महादेव यहाँ पे सब महादेव के, हाँ बहुत मंदिर है, बहुत सारा मंदिर, और वो मंदिर के दरवाजे से खुले रहते हैं, किसी का दरवाजा बंद नहीं है। ओ बरसात पड़े हो, चलो ओमकारेश्वर ब्रह्मपुरी घाट शायद है ना, हमको ब्रिज से उस तरफ जाना है ना, वो साइड जाना है, ब्रिज से होकर जाना है चलकर। आज है ना यहाँ पर वो नाव वगैरह चलती है ना, वो सारी की सारी बंद है, क्योंकि भाई बोल रहे हैं आगे से कुछ पानी छोड़ा है। हाँ, पानी का फ्लो ज़्यादा है, तो अभी ब्रिज यहाँ से है। हाँ, तो अभी ब्रिज से चल कर जाना पड़ेगा। यहाँ से है ना पानी छोड़ा है ना, इसलिए आज फ्लो थोड़ा ज़्यादा है, ये देखिए। हाँ, तो इसकी वजह से आज बहुत बंद है, ये ब्रिज हिल रहा है ऐसा फील। हाँ, हिल रहा है, हिल रहा है। हाँ चलो ना, लाइन तो देखो वहाँ पूरी, कब नंबर लगेगा। लाइन इतनी लंबी है ना, देखो ये देखो, दिख भी नहीं रहा है कहाँ तक लाइन है। ये वाला जो ब्रिज है ना, उसके ऊपर से हम चल के आए, उस साइड से हमारा होटल वहाँ पर है, तो वहाँ से पूरा चल के यहाँ तक लाइन में आए, और अभी आगे भी लाइन है। अभी है ना सब दर्शन करके जो आ रहे हैं ना, उनमें से दो तीन लोगों को पूछा था, तो एक ने बोला मेरे को 5 घंटे लगे, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा एक भाई है ना उसको पूछा, तो बोला भाई 3 घंटे में मैं आ गया, तो समझो आज 2-3 घंटा तो आज पक्का ही है, होगा ही होगा, वो 5 वाला ना हो बस, है ना, क्योंकि उससे पहले तो मंदिर भी बंद हो जाएगा। 6:30 तो बज गए, बंद 9:30 बजे। हाँ 9:30 बजे बंद होता है मंदिर। हाँ अब यहाँ के हो गए, मैं सब पूछ के आया हूँ, आगे आगे जो है ना वो सबको पूछ कर सब पता करके आया हूँ। हम 1/2 घंटे से लाइन में खड़े, और हमारे पीछे लाइन दिखाओ कितनी है, ये देखो, ये देखिए। हाँ अभी दिखेगी, देखो है ना। और अभी हम आधे नहीं, वैसे इधर तक तो पहुंच गए, लेकिन इधर से भी अंदर बहुत सारा जाना है। बोला था ना 2 दिन बहुत अच्छे से हुआ ना, इसके लिए आज थोड़ा होगा ना दृष्टि, आज थोड़ा कष्ट होगा ना, चलेगा। दृष्टि को नींद आ रही है, नींद नहीं मच्छर था कान में। वो देखो डैम का पिलर वहाँ पे दिख रहा है, वो मस्त लाइट हुई ना। हाँ, वो पूरा लाइट हुआ। वो देखो नर्मदा आरती हो रही है, ये देखो ये सारी लाइन है जो हम खड़े थे ना वो वाली, और इधर भी है ना दूसरा गेट, बाजू में पुलिस वाले अंकल ने पता नहीं क्या हुआ तो खोल दिया, तो हम लोग इधर आ गए। देखो कितना, हमारे पीछे कोई भी नहीं है,
भाई ये हर बार होता है ना हमारे साथ दो दिन से। और देखो अंदर तो मैं दर्शन आपको नहीं करवा पाऊंगा, वो तो आपको भी पता है, लेकिन यहाँ से दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो भी अंदर मैं दर्शन करूंगा या फिर आपको करवाऊंगा, है ना। ये देखो आकाश मंदिर में लाइट चालू हो गई, सब ज्योतिर्लिंग में है ना, सब ज्योतिर्लिंग में पता नहीं सब, मतलब अभी तक हमने जो हाँ। तीन देखे हो, ये देखो एक घंटे में ही नजदीक तो पहुंच ही गए हम, फाइनली दर्शन हो गए। 6:20 को गए थे ना, 8 बज गए, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर अंदर हो गया। अभी तक है ना हमने जितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए ना, वहाँ से वो मंदिर का है ना छोटा सा वो मॉडल, लेकिन छोटा कार्डबोर्ड से बनता है या फिर लकड़ी से बनता है, तो वो ना सोमनाथ का भी लिया था मैंने और महाकालेश्वर का भी कर लिया था, लेकिन यहाँ है ना ओमकारेश्वर का मिल ही नहीं रहा है। मैंने एक शॉप पर पूछा लकड़ी का सब रखते थे वो भाई, उनको तो बोलते हैं उसका ढांचा ही नहीं बना अभी तक। मेरे को ऐसा था कि जितने भी ज्योतिर्लिंग पर जाऊँगा ना सब कैसे छोटे छोटे मंदिर का कलेक्शन करूँगा, लेकिन ये नहीं मिला। कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी भी दूसरी बार आएंगे तब ट्राई कर लेंगे। पहुँच गए होटल पर, दर्शन करके आ गए और खाना भी खाया बीच में, लेकिन इतने थक गए थे ना, और उतना भी कुछ स्पेशल नहीं खाया तो आपको क्या दिखाते हैं। तो बस आज का व्लॉग यही तक रखते हैं, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।